आप यहाँ से भाग जाए, वरना ये लोग आपका वो हाल करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपसे वो काम करवाएंगे जो आपने कभी नहीं किए। शिल बेबी, मेरी बात सुने। आप यहाँ से भाग जाए। हाँ, आप यहाँ से भाग जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाए, वरना ये लोग आपका वो हाल करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपसे वो काम करवाएंगे जो आपने कभी नहीं किए। आप चले जाए यहाँ से, मैं आपको बताती हूँ। आप इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता सीधा आपको बता देगा। आप खुदा के लिए यहाँ से भाग जाए, आप ये सब नहीं कर सकती हैं। आप चली जाए, जाए जल्दी जाए, कोई आ जाएगा, जाए जल्दी जाए। पर तुम आप जाए, आप जाए जाए तुम आप जाए 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 वो भाग गए। कौन भाग गई? वो ईशल बेबी भाग गई। ईशल भाग गई? एहसान खान, जल्दी से कुछ करो, अभी वो यहीं कहीं होगी। अम्मा, मैं देखता हूँ कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी, मैं जाता हूँ अभी। मैंने कहा था तुमसे कि वो बहुत तेज है, वो अपनी माँ पर नहीं अपनी फूफो पर गई है, मनहूस पर। जल्दी जाओ। जी, मैं जाता हूँ। जो तुम भी ना मुराद, एक काम भी ठीक से नहीं होता इनसे। क्या करूं? सर, हवेली के दरवाजे बंद कर दो। क्या हुआ सर? लगता है टायर पंचर हो गया। ओह शिट। फोन क्यों नहीं मिल रहा? हेलो। हाँ एहसान खान, कहाँ तक पहुंचे हो? ढूंढ रहा हूँ उसे, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अभी तक मिली नहीं तुम्हें? नहीं अम्मा, फिक्र ना करें, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिक्र कैसे ना करूं बेवकूफ, अगर वो हमारे हाथ से बच गई तो सब कुछ जाकर वहां बता देगी। नहीं अम्मा, आप तो जानती हैं ये हमारा इलाका है और यहाँ पे ये सब मुमकिन नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर वो हमारे घर से हमारी आंखों में धूल चौंक कर जा सकती है तो वो कहीं से भी भाग सकती है। अच्छा अम्मा, मैं फोन बंद कर रहा हूँ और उसे ढूंढ के मैं लेके आता हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे फौरन इत्तला दो। जी जी, खुदा हाफिज। एक काम भी ठीक से नहीं होता इससे। चल चल मेरे साथ। तुम वहां क्या करने गई थी? वो ईशल जख्मी थी ना, तो उसने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उसे खाना खिला दूं। क्यों क्यों सोचा तूने ऐसा? वो भी तो इंसान है। पहले खुद इंसान बनो। वो मेरा खून है, उसकी तरबियत मैंने करनी है, तूने नहीं। एक बार का कहा, क्यों समझ नहीं आता तुझे? ना मुराद, चला उठ, जा यहां से।
उठ, चल। अपने ही लोग गद्दारी करने पे उतर आए हैं, नाफरमान हो गए। फिक्र ना करें अम्मा, मैं इसका इलाज भी कर लूंगा। खड़ूस सूरत, नाश्ता कर रही अंदर बैठ के। जिंदगी में तो खाने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं इसने। अच्छा जी, चलो हटो, दूर हटो। तेरी जुरत कैसे हुई मेरी जगह पे बैठने की? हाँ, उल्लू की पट्टी। खड़ूस कहीं की और कोई काम नहीं सीखा जिंदगी में, कितना बोलती है। मेरे बिस्तर पे कोई नहीं बैठेगा। ये ले, फिर ये ले, बैठ गई। ये ले पूरा सोफा बना के रखा हुआ। ये सारा कुछ खराब कर दूंगी। ये ले। अच्छा सुन लिया मैंने सब कुछ, जो तू सानी बेगम के खिलाफ बातें कर रही थी सब सुन लिया। उल्लू के पट्टे, जाहिल आदमी, दिमाग खराब है तेरा? बता के नहीं छोड़ सकता, डरा दिया मुझे। सुन लिया है? हाँ सुन लिया है। बता देगा? जा बता, देखती हूँ तुझे फिर मैं। अरे कैसे बताऊँ, तेरे मुंह से तो गालियाँ भी अच्छी लगती हैं, और सानी बेगम वो तो है ही अच्छी। ओए बकवास बंद रख, अपनी दफा जा यहाँ से, बदतमीज ना हो तो। मुंह तो अपना ना बंद ही रखी, वरना तेरा वो हाल करूंगी ना मैं। अरे मेरी चुलबुली, तेरी खातर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये मुंह बंद करना तो छोटा काम है। नूरी जी, ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालने को? ले जी, कितनी देर का? और ईशल कहाँ है? बर्तन धो रही है। अभी तक आई क्यों नहीं? जी आपने तो कहा था कि जब तक बर्तन ना धुल जाए वो किचन से बाहर ना आए। ओह खैर, आज हम उसे अपनी जमीनों की सैर करवाना चाहते हैं। जाओ उसे लेकर आओ। जी बहुत सुस्त हो तुम। जो सुस्ती तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप वाली भरी है ना, इसे निकाल बाहर फेंको ताकि हमें यकीन। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मौला रंग दे।